These headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी था पूर्व सैनिक जो पिछले साल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। इस मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते सेना का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए हैं। अंतिम खबर मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी था। वहीं एक बार फिर पत्थरबाज अपनी करतूतों से बाज नहीं आए। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर की जमकर पत्थरबाजी। हालांकि पत्थरबाजी के दौरान 9 स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस फोरम ने आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया। दरअसल ये प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ था जो जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटना चाहते थे। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे दिन का, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो देखा गया है ह्यूमन वायलेशन हो रही है, अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं हो रही, धर्म की राजनीति हो रही है, इवन कोड बनाया जा रहा है पहनने का, खाने का, पीने का। रामनगर में जम्मू कश्मीर पीडीडी नीड बेस्ड वर्कर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही। वहीं उनके द्वारा गवर्नर महोदय से मांग की गई है कि उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। मैं राकेश रामनगर जूनियर का प्रेसिडेंट। आज हमने 14-15 दिन हो गए स्ट्राइक में बैठे हुए, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं आगे तक पहुंची है। मेरी ये गवर्नर महोदय से गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों का हल किया जाए, वरना हम अपने मुद्दे पे आ गए तो हम जानों कुर्बानी दे देंगे। हर बिजली पे पोल पे हमारा कैजुअल लेबर वर्कर अपनी जान दे देगा। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।